प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिलों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों पे। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम है अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम दिलों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दे उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए। आज का सुसमाचार पाठ हमसे आह्वान करता है कि हमें अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित करना है। जिस प्रकार ईश्वर हर एक चीज की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार ईश्वर हमारी भी सुरक्षा करता है। आज का सुसमाचार पाठ हमें यह आह्वान दिलाता है कि हमें किस प्रकार उस पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन को, आज के इस शनिवार को हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा चढ़ाएं एवं हमारी सारी मध्यस्थता माता मरियम के द्वारा जो भी हम मांगना चाहते हैं, जो भी हमारी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, हम माता मरियम के द्वारा प्रभु को अर्पित करें। कुशन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने बाहुबल से प्रकाशित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जीवा को खोले जिसका भी हृदय से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1-10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं, जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक
ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूँगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता, किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगने वालों का घर भरा पूरा रहता है। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम्हें से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष, आलेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है?
और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे डांट बांट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहकर चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेने का। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो हम प्रभु की अनमोल शिक्षाओं को सुनते हैं, ईश्वरीय कार्यों को देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर एक दुर्बल मानव को शक्तिशाली बनाता है और किस प्रकार ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमें हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। आज के प्रथम पाठ में हम संत पौलुस के द्वारा सुनते हैं कि उसके शरीर में एक कांटा चुभोया गया है और जो उसे दुर्बल बनाता है ही पौलुस को बलवान बनाता है। यह एक प्रकार से जब हम देखते हैं तो पौलुस अपने विषय में साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि वे ईश्वर के वचनों को अपना शक्ति का ढाल बनाता है, वह प्रभु को अपना सब कुछ बनाता है। पौलुस के जीवन में हम जानते हैं कि उसने कई सारे क्रिस्तियों को, जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करते थे, उनको वह मारता था, उनको बंदी बनाता था। और जब वह प्रभु को स्वयं देखता है, जब वह प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो वह प्रभु का बहुत ही गहरा अनुयायी बन जाता है और वह प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हम कुछ दिनों से यही बात सुन रहे थे कि पौलुस किस प्रकार से प्रभु के वचनों के लिए अपना जीवन दाव पर लगाता है और कई सारे संकटों का सामना करता है। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु वही कहते हैं कि हम किस प्रकार से ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं। जब हम आज के लिए, कल के लिए और किसी भी प्रकार की बातों के लिए चिंता करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारा पिता चिड़ियाओं को, पेड़ों को, पौधों को, सबको संभालता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं संभालेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम भी पौलुस के समान अपने आप को, अपने सारे पापों को प्रभु को अर्पित करें। दुर्बल होते हुए भी हम प्रभु के नाम में बलवान बने, उस प्रभु के विश्वास में बलवान बने जो हमें प्रभु ने दिया है। वह हमारे साथ में गलत नहीं होने देगा। कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हम चिंताओं से घेरे रहते हैं, हर प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में रहती है, हर प्रकार के बंधन हमारे जीवन में रहते हैं। कई प्रकार के हम आजकल जो देखते हैं कि कई लोग कई प्रकार से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, कई प्रकार से लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को डराते हैं एवं लोग असमंजस में रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। आज प्रभु का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता प्रभु को अर्पित कर दो और प्रभु तुम्हें बलवान बनाएगा, प्रभु तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। प्रभु के नाम पर भले ही आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, गलत काम क्यों नहीं किया हो, प्रभु से क्षमा मांगते हुए हमें प्रभु क्षमा प्रदान करता है। जिस प्रकार संत पौलुस अपने आप को बलवान समझता है
और अपने आप को प्रभु का शिष्य बताते हुए, जिसको लोग ताना मारते थे, जिसको लोग उपहास करते थे, जिसको लोग बुराइयों की नज़र से देखते थे, वही पॉल प्रभु का साक्षी बनता है, वही पॉल प्रभु के कार्यों को करता है। आइए क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु के सामर्थ्य से शक्तिवान बने, प्रभु के सामर्थ्य में विश्वास करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करें। स्वामी मेरा ये जीवन आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन, तूने मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन, तू ही मेरे दिल में प्रभु भर दे अपने प्यार से स्वामी, स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्य को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसी विश्व विधाता जय हो, गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो, तू है दया का सागर है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो, जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो,
विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है, या तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। हमको ना कभी छोड़ देना माता, हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना माता, हमको ना कभी छोड़ देना माता, हमको
हो ना कभी छोड़ देना। जब माता तेरे चरण गिरो मैं, जब माता तेरे चरण गिरो मैं, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।